नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों गदर टू का एक और एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि गदर टू का धमाल कमाल जारी है। कल भी फिल्म ने 7.10 करोड़ का ऑफिशियल नेट कलेक्शन किया है, 7.10 करोड़ का। और दोस्तों इस कलेक्शन के साथ ही गदर टू का जो 15 दिनों का जो नेट कलेक्शन हो गया वो आपको बता दूं 426.20 करोड़, 426.20 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन गदर टू का हो चुका है 15 दिनों का। और ये काफी अच्छा कहा जाएगा, बहुत ही बेहतरीन कहा जाएगा। आपको बता दूं कि इतने कम स्क्रीन्स और इतने कम शोज मिलने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों से क्लैश करने के बावजूद, और कल तो इसके सामने दोस्तों बहुत सारी फिल्में थी। कल इसके सामने ड्रीम गर्ल 2 थी, जिसका भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया है, 10 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन आया है। और शोज भी काफी कम हो गए दोस्तों, अब तो शोज काफी कम है। मैं आपको बता दूं, मुंबई में 390 शो, NCR में 623 शोज, पुणे में 144 शोज, अहमदाबाद में 312 शोज, जयपुर में 171 शोज। मतलब कि 50% से ज्यादा शोज रिड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी, 50% शोज रिड्यूस हो चुके हैं गदर टू के। इसके बावजूद कल अगर 7.10 करोड़ का कलेक्शन आया तो किसी भी हालत में बुरा नहीं कहा जा सकता, काफी अच्छा कलेक्शन इसको कहा जाएगा। और दोस्तों थिएटर ऑक्यूपेंसी भी कुल मिलाकर के गदर टू की कल अच्छी ही रही है। मॉर्निंग शो में 8.14% थी, आफ्टरनून में 17.10%, इवनिंग शो 25.47% और नाइट शो 40.93% की थिएटर ऑक्यूपेंसी थी। तो किसी भी हालत में ये कलेक्शन को कम नहीं कहा जा सकता, सुपर कलेक्शन कहा जा सकता है। 6 फिल्मों से कलेक्शन है, 6 फिल्मों से। गदर टू का OMG 2 से चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों मस्ताने रिलीज हुई है कल, जबरदस्त फिल्म है, पंजाबी फिल्म। इसके अलावा दोस्तों सूबेदार मराठी मूवी, और दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 तो है ही, साथ में दोस्तों अभी जेलर भी बॉक्स ऑफिस पर है, OMG 2 भी है, घूमर भी है। तो बहुत सारी फिल्मों के साथ कलेश के बीच में ये कलेक्शन आना माइंड ब्लोइंग है, सुपर है। 426.20 करोड़ नेट कलेक्शन। साथ ही दोस्तों अगर आपको बताऊं कि इस फिल्म का जो मतलब इंडिया ग्रोस कलेक्शन कितना हो गया, तो आपके लिए अच्छी खबर है, 503 करोड़ रुपीज, 503 करोड़, 500 करोड़ के क्लब में इंडिया ग्रोस कलेक्शन पे ये फिल्म पार कर चुकी है 15 दिनों में। तो 500 करोड़ के क्लब में एंट्री हो चुकी है ग्रोस कलेक्शन के आधार पे। वहीं दोस्तों 52 करोड़ रुपए का 15 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन आया गदर टू को, और इस प्रकार से 555 करोड़ रुपए का कलेक्शन गदर टू का हो चुका है 15 दिनों का। वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 555 करोड़ रुपीज ओवरसीज से। मैं मानता हूं ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला फिल्म को, अगर ज्यादा सपोर्ट मिलता तो डेफिनेटली ये फिल्म 700 करोड़ के आसपास होती इस समय, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। इसके साथ ही अब आपको मैं ये जानकारी दे दूं दोस्तों कि जहां तक आज की बात करें तो आज फिल्म जबरदस्त कमाल करेगी। 2,65,00,000 की एडवांस बुकिंग और 1,06,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट आज के लिए हुए है। और सुबह के शो की थिएटर ऑक्यूपेंसी 15% के आसपास थी, 14.71% की थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, जो कि आफ्टरनून शो में बढ़कर के 25% से 28% के बीच की हो गई है। इवनिंग शो की जब मैंने वीडियो बनाया तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी, तो इवनिंग शो में इससे भी बढ़िया और थिएटर ऑक्यूपेंसी जाएगी मेरे हिसाब से 40% से ऊपर जाएगी, और नाइट शो की भी 50% के आसपास थिएटर ऑक्यूपेंसी रहेगी, ज्यादा भी जा सकती है। तो काफी जबरदस्त थिएटर ऑक्यूपेंसी के साथ आज ये फिल्म फिर से जबरदस्त वापसी करने वाली है, और बर्नॉल मूवमेंट थिएटर्स के लिए होने वाला है, क्योंकि जो कह रहे थे कि अब सिंगल डिजिट आ गया है फिल्म आगे नहीं बढ़ेगी। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जबरदस्त कलेक्शन के साथ आज गदर टू फिर से वापसी करने वाली है, और आज गदर टू का जो कलेक्शन आने वाला है वो कम से कम 12 करोड़ रुपए का रहा है। कम से कम 12 करोड़ का मतलब सीधा कलेक्शन में कम से कम 90% का जंप होने वाला है, 80% 90% का जंप होने वाला आज कलेक्शन में। तो आज फिर से गदर टू बॉक्स ऑफिस को फाड़ने वाली है और एक सुनामी तूफान लाने वाली है। इसके बावजूद कि ड्रीम गर्ल 2 मस्ताने जैसी मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है, इसके बावजूद गदर 2 का आज क्रेज जबरदस्त देखने को मिलने वाला है, दोबारा से फिर से वही सेलिब्रेशन होने वाला है। तो अगर मैं कम से कम 12 करोड़ मानू तो 438 करोड़.20, मतलब 438 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन 16 दिनों का गदर 2 का हो जाएगा, लेकिन 12 करोड़ अभी मेरे हिसाब से ज्यादा जाएगा कलेक्शन, 12 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन जाने वाला मुझे ऐसा उम्मीद है। तो मेरा प्रिडिक्शन 12 करोड़ से 14 करोड़ रुपए के बीच में आज का है, कि 12 करोड़ से 14 करोड़ रुपए के बीच में ये फिल्म कलेक्शन करेगी। बाकी हम रात के वीडियो में बात करेंगे कि कितनी और पॉसिबिलिटी बनती है, जब मैं आपके लिए एडवांस बुकिंग का एपिसोड लेकर के आऊंगा कि कल कितनी एडवांस बुकिंग का संडे है, तो कल तो बड़ा कलेक्शन आएगा ना, ये तो आप जानते ही है, तो उसमें बात करेंगे कि कितना जा सकता है कि ना। अभी फिलहाल मेरा 12 करोड़ से 14 करोड़ का प्रिडिक्शन है आज का। और दोस्तों जहां तक बात करें कि ये जो फिल्म है गदर 2, इस फिल्म का मतलब कि एक और नया रिकॉर्ड बन गया दोस्तों, वो मैं बताने वाला था, मैं भूल गया आपको, कि KGF चैप्टर 2 का आज ये रिकॉर्ड तोड़ देगी। KGF चैप्टर 2 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन आया था रॉकी भाई का,
हिंदी नेट कलेक्शन वो 434 करोड़ का था, तो आज डेफिनेटली ये फिल्म 438 से 440 करोड़ पे जाने वाली है। तो आज रॉकी भाई का रिकॉर्ड तारा सिंह तोड़ देगा, ये रिकॉर्ड भी मैं आपको अभी दे देता हूँ, कल ऑफिशियली टूट जाएगा रिकॉर्ड। तो अब ये थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी हो गई है इंडियन नेट कलेक्शन के आधार पर। अब इसके आगे केवल बाहुबली 2 और दोस्तों पठान दो ही फिल्में बचती है जो इससे आगे है हिंदी नेट कलेक्शन के आधार पर, इंडियन नेट कलेक्शन के आधार पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका रिकॉर्ड भी टूटेगा। सब कुछ डिपेंड करेगा कल के कलेक्शन पे, कल कितना कलेक्शन करती है। कल कम से कम 20 करोड़ अगर कलेक्शन आ जाता है फिल्म का तो फिर दोस्तों मजा है, फिर करीब 455 460 करोड़ पे ये फिल्म होगी। और फिर धीरे 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 करके ये 500 करोड़ आराम से अगले वीक में पूरा कर सकती है, अगर 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ कलेक्शन इसका पर डे आए तो। तो अभी काफी मुश्किल तो है, थोड़ी मुश्किल है, सपोर्ट लगातार चाहिए, लगातार इसको सपोर्ट करना होगा, लगातार फिल्म को देखना होगा, तो फिल्म जरूर कमाल कर सकती है, धमाल कर सकती है। मुझे अभी भी पूरी उम्मीदें है गदर 2 के ऊपर, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, देश की फिल्म है, सबकी भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। फिलहाल इतना ही, शाम के वीडियो में एडवांस बुकिंग की बात करेंगे, दो वीडियो लाने की कोशिश करूंगा एडवांस बुकिंग के ऊपर, और आज की और रिपोर्ट और कल के बारे में और क्या रिपोर्ट आ रही है। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।